नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए करवाई जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय के जरिए एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पेपर रद्द किया गया। वहीं इस मामले की जाँच कर रही सीबीआई के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। सीबीआई ने अपनी जाँच के बाद कहा है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था। एग्जाम से पहले पेपर को डार्क नेट पर अपलोड किया गया था। सरकार ने पेपर रद्द करने के बाद इसकी जाँच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई ने जांच के दौरान ये पता लगा रही है कि यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर कहां से लीक हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि क्वेश्चन पेपर सोमवार को लीक हुआ था, जिसके बाद उसे एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने लीक क्वेश्चन पेपर को डार्क नेट पर डाला था। सीबीआई केस से जुड़ी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए एनटीए और अन्य एजेंसियों के संपर्क में है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट एग्जाम को बुधवार को रद्द करने का आदेश दे दिया। मामले की जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी गई। मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि एग्जाम की शुचिता से समझौता किया गया है, जिसके बाद आनन फानन में इसे रद्द किया गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही छात्रों ने एग्जाम दिया था। पेन और पेपर मोड में आयोजित इस एग्जाम में 9 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा। इसके लिए तारीखों समेत अन्य जरूरी चीजों का ऐलान अलग से किया जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के माध्यम से भारतीयों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और देश की यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाती है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस एग्जाम में बैठते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट के संबंध में एनटीए के अधिकारियों समेत दोषी पाए जाने वाले हर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार अब एनटीए के कामकाज की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित करेगी। साथ ही कहा कि सरकार बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अचानक से यूजीसी नेट को रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया था। हमें इस बात के सबूत मिले थे कि क्वेश्चन पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था, उसे टेलीग्राम पर भी शेयर किया जा रहा था। इसके बाद ही परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया, इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्द ही हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है, एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंडअप कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे, उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।